दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके में मौत से दहशत, राजस्थान से दिल्ली लाकर बच्चों का किया कत्ल। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। अब आप इन्हीं खबरों को देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पर और जाकर डाउनलोड करिए तेज तरार की ऐप को। दिल्ली के कुतुब मीनार इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों के मन में दहशत पैदा कर दी है। दरअसल राजस्थान से 3 बच्चों को किडनैप किया गया और फिर उनके परिवार से फिरौती की कॉल की गई। आपको बता दें कि 3 में से 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और इस वारदात को अंजाम दिया गया राजधानी दिल्ली में। पुलिस ने कुतुब मीनार के पास जंगल से 2 बच्चों की डेड बॉडी बरामद की है, जबकि तीसरा बच्चा जो कि बच गया था वो लाजपत नगर के चिल्ड्रन होम में सकुशल है। इस मामले की पुष्टि करते हुए DCP साउथ चंदन चौधरी ने बताया कि बच्चों की किडनैपिंग की FIR राजस्थान के भिवाड़ी थाना में दर्ज की गई है। गुशन सिंह नाम के शख्स की शिकायत पर पुलिस ने वहां पर मामला दर्ज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके 3 बेटे अमन, विपिन और शिवा 15 अक्टूबर से लापता हैं। राजस्थान पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसी दौरान बच्चों के परिवार वालों के पास फिरौती के लिए कॉल गई और जब पुलिस ने छानबीन के बाद एक शख्स को पकड़ा तो उसने बताया कि उसने दिल्ली के कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास के जंगलों में हत्या करके बच्चों की बॉडी को फेंक दिया है। राजस्थान से क्राइम ब्रांच की टीम दिल्ली पहुंची और यहां लोकल पुलिस के साथ मिलकर वहां पर सर्च ऑपरेशन किया गया। यहां पर 2 बच्चों की बॉडी बरामद की गई। इसी बीच 16 अक्टूबर को 6 साल का जो बच्चा पुलिस को मिला था वो सिर्फ अपने और अपने पिता का नाम ही बोल पा रहा था। छानबीन में सामने आया कि ये बच्चा राजस्थान से लापता शिवा है। कुछ क्लिप्स के जरिए समझिए कि क्या कुछ हुआ है। भिवाड़ी में UIT थाना है, इसमें साथल का एक जगह है। साथल का में कन्नौज UP का एक परिवार जो हम मेहनत मजदूरी करता है वो वहाँ किराए से रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि उनके 3 बच्चे जो 15 तारीख को सवेरे 9 बजे जब उन्होंने घर पे देखा तो गायब मिले। उसकी तलाश जब करते हुए थाने पे आए, थाने की टीम में रवाना हुई। 16 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ, आगे की कार्रवाई हुई तो पुलिस ने टेक्निकल आधार पर अन्य CCTV फुटेज एवं संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि 2 व्यक्ति जो इस घटना से इसमें संलिप्त हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन 3 बच्चों का अपहरण करके वो दिल्ली में मेहरौली जगह पर ले गए और वहाँ उनके द्वारा उन बच्चों के साथ जो है उनकी हत्या कर दी। सूचना पर टीम रवाना हुई, मौके पर पहुँचे। 2 बच्चों की डेड बॉडी मिल चुकी है और अभी अभी हमारी टीम को सूचना मिली है कि एक बच्चा 16 तारीख को जो कि उनके द्वारा हत्यारों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी गर्दन दबोचे जाने के बावजूद वो बच्चा बच गया और मेहरौली पुलिस थाने तक पहुंच गया। थाने के द्वारा उसको दिन भर उसकी काउंसलिंग की गई और चाइल्ड लाइन जो चाइल्ड केयर सेंटर है लाजपत नगर में, वहाँ उस बच्चे को पहुँचा दिया गया। वो बच्चा सुरक्षित है। ब्यूरो रिपोर्ट तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।